बहुत ही पसंद आ रहा है और जिस तरह के गाने हैं लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, तो कुछ प्रेशर फील करते हैं या कुछ नर्वस फील आप कि कुछ टाइम के बाद फिल्म आ रही है? नहीं, नर्वस तो फील नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक मेरे हिसाब से कि ट्रेलर अप्रिशिएट हुआ है और जैसे आप बोल रहे हो गाने भी अच्छे लग रहे हैं लोगों को, तो बस यही उम्मीद है कि पिक्चर भी सबको वैसे ही पसंद आए। मेहनत बहुत की है और यही कोशिश है कि हमने एक अच्छी पिक्चर बनाई। ये एक कमर्शियल पिक्चर है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनर है विद अ मैसेज है। ये आपने बहुत क्वेश्चंस पूछे एक क्वेश्चन में, पर मैं पहले पार्ट का बताऊंगी कि मैंने बोला फन है क्योंकि जो रिलेशनशिप है एक फादर डॉटर की एक यूनिवर्सल रिलेशनशिप है जिसमें बहुत ऐसा फादर्स हमेशा अपने डॉटर्स को चिढ़ाते हैं और डॉटर्स हमेशा अपने फादर्स मतलब दे रैप देयर फादर अराउंड देयर फिंगर, करेक्ट संजू सर? सो इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल रिलेशनशिप ऑलवेज और एक यूनिवर्सल रिलेशनशिप है, एक टाइमलेस बॉन्ड है, एक जो एक जो एक पिता का अपने डॉटर की ज़िंदगी में क्या मायने रखता है, दैट इज़ व्हाट द फिल्म इज़ अबाउट। तो दैट इज़ द फन पार्ट ऑफ इट एंड देन जो व्हाट दे गो थ्रू एंड क्या होता है, एक हादसा होता है उनके साथ, हाउ दे ओवरकम दैट बिकॉज ऑफ देयर लव एंड द वे दे स्टैंड बाई इच अदर, तो फिल्म उसकी कहानी है। तो देयर वॉज फन ऑल्सो, हमारे जो सीन्स हैं संजू सर और मेरे इज़ वेरी एंडियरिंग एंड मुझे ऐसे बहुत रियल लगा उनके साथ काम करके क्योंकि एक बहुत इम्प्रॉम्प्टू रिलेशनशिप और केमिस्ट्री है बिटवीन द फादर एंड द डॉटर, सो दैट दैट पार्ट वॉज फन। ऑफकोर्स द स्टोरी इज इंटेंस। मैं एक्चुअली द वे दैट जैसे मुझे बड़ा किया गया है, आई हैव द मोस्ट अमेजिंग फैमिली एंड द मोस्ट अमेजिंग सपोर्ट एंड सपोर्ट सिस्टम, पर इट इज़ ट्रू कि एक जो लड़की होती है वो हमेशा अपने फैमिली को नर्चर करती है, चाहे वो इवन आफ्टर शी गेट्स मैरिड एंड गोज़ टू अनदर हाउस, हर फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हर एंड शी इज़ विथ हर फैमिली टिल द वेरी लास्ट सेकेंड, एनी थिंग दैट द फैमिली मे नीड द डॉटर विल बी देयर। बट इज़ इट ऑलवेज द केस कि एक फैमिली अपने बेटी के तरफ सेम डू दे स्टैंड बाय देयर डॉटर्स? आई डोंट नो, आई होप दे डू, बिकॉज फिर एक लड़की को कभी ये सवाल दोबारा पूछना नहीं पड़ेगा। इट शुड बी लाइक दैट कि उसका घर जहाँ भी वो रहे उसका घर वहीं होना चाहिए एंड इवन द होम दैट शी हैज़ लेफ्ट बिहाइंड शुड बी अ होम फॉर एवर, शी कांट बी अ होमलेस पर्सन कि ना यहाँ ना वहाँ, इधर इट्स द फादर्स नेम और द इन लॉज नेम, ऐसे नहीं होता, शी इज़ अ पर्सन इन हर सेल्फ एंड शी शुड फील लाइक दैट ऑल्सो। और भूमि द रीज़न कि मुझे बहुत अच्छी लगी है एंड आई थिंक इट विल रेजोनेट विद एवरी गर्ल इन दिस कंट्री इज़ बिकॉज भूमि के जो बाबा हैं ही स्टैंड्स बाई हर डॉटर लाइक दैट, ही एम्पावर्स हर, वो एक बहुत फ्री स्पिरिटेड लड़की है एंड वो प्यार से पली बड़ी है, रिस्पेक्ट से पली बड़ी है, विच इज़ वाई शी इज़ द वे शी इज़ एंड शी हैज़ द करेज विथ हर फादर टू टेक ऑन द मोस्ट डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेज एंड वी शुड मेक आ गर्ल्स बी दैट लाइक दैट ऑलवेज। With a similar theme where a daughter goes through a physical and psychological traumatic incident and the mother takes her revenge. So is there any thought in the back of the mind of the team that there may be some undue comparisons with that film? See, I'll tell you one thing, every film is compared to every other film in the world, right from the beginning when the film started. Okay, so there the topic may be the same, but the treatment is different, the scenes are different. A father and daughter's bonding is also very, very special bonding. A mother and son bonding is a very special bonding. But a father and daughter bonding is something else. And this film has its own feel, has its own content, has its own support system, and has its own love story between the daughter and the father. Thank you.
Also, sir, being a father, the issue that you are covering in this movie, do you get worried for your daughter? मैं किसका जवाब दूंगा? सर सबसे पहले तो आदिति के फादर प्ले कर रहे आप इस फिल्म में, रियल लाइफ में भी आप फादर है, तो आदिति और आपकी बेटी में क्या सिमिलैरिटीज देखते हैं आप, और शूटिंग के दौरान मतलब ऐसा कोई पल था जब आप? वो मेरे में सिमिलैरिटीज तो मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मेरी बच्ची 6 साल की, अदिति 6 साल की है क्या? लेकिन नहीं, हम लोग ने कभी इसमें कभी मैंने कंपेयर नहीं किया है। ये मैं अरुण सचदेवा और ये मेरी बेटी भूमि थी, और जिस हिसाब से मुझे उस वक्त फील हुआ मैंने वैसे ही परफॉर्म किया। बाबा, ऑन लोकेशन के दौरान आपने देखा कि अदिति कहती है कि आइए मैं आपके बाल को डाई कर देती हूँ, आइए मैं आपके बाल पर हेयर में डाई, जब इस तरह से एक रियल लाइफ में या इस तरह से जब कोई कहता है कि मैं आपके बाल डाई कर देती हूँ, क्या फील करते हैं आप इस तरह की? तो डाई करना कौन सी बुरी बात है? एक बेटी और डैडी का। हाँ, तो मतलब कि छोटे शहरों में ऐसा ही होता है, और मुझे याद है जब मैं जेल में था तो वहाँ डाई नहीं मिला, वो दूसरा मिलता था गोदरेज का, तो ऐसा लगता था कि मैंने वो डांबर लगा दिया दाढ़ी में। तो फिर मैंने वो लगाना बंद कर दिया, बोला भी कोई डांबर नहीं लगना चाहिए, तो वैसे ही कर दिया। तो एक छोटे शहरों में ऐसा ही होता है, अगर कहीं बाल पे मैं एक पति नहीं लगा तो उसकी पत्नी लगा देती है या उसकी बच्ची लगा देती है, तो ये छोटे शहर की कहानी। Baba, you're doing a very topical film considering today's times. And you have been living through different eras. Do you think, sir, today the country is more unsafe for women compared to when you were younger? Yeah, it is unsafe for women. It's unsafe for children. Look at what happened yesterday in the school in Gurgaon. I think it's shameful. It's shameful for something like that to take place in a school with a 7-year-old kid, a child. I mean, you keep reading about these rapes and molestations. I mean, I don't think it's the right thing. I mean, I think people should be educated enough, because I believe in women empowerment. I believe in beti bachao, beti padhao. I believe in save the girl child. I believe in non-violence against women. Jab chote se leke bade tak, main hamesha striyon ke saath pala hoon. Chahe meri maa ho, ya meri behne ho, ya meri बीवी हो या बच्चियाँ हो, तो आई मीन आई थिंक वी शुड टेक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड दिस काइंड ऑफ थिंग शुड बी कंडेम्ड एंड अ फास्ट ट्रैक ऑफ अ जस्टिस सिस्टम शुड टेक प्लेस। अभी इसको जो जिसने अभी ये बच्चे को मारा है उसको आप केस चलाओगे, फिर वो बड़े कोर्ट में जाएगा, उससे बड़े कोर्ट में जाएगा, क्यों भाई? दैट्स ब्रूटैलिटी। सो आई मीन आई थिंक वी हैव टू लुक इनटू इट। Why things become more unsafe nowadays, like in the past 3-4 years? I don't know about the past 3-4 years, but I remember के जब मेरा बचपना था तो ऐसा कुछ हम लोग सुनते भी नहीं थे, लेकिन पता नहीं ये कुछ अभी क्या हो गया, पता नहीं। And speaking about women, you know, what happened with Gauri Lankesh, what's your take on? Do you think it's a matter of democracy in India? I have no idea about that, but I mean just it's sad that, I mean, people are getting murdered like that, and people who matter, people who are journalists, and, you know, people, I mean, I just feel sad about it, you know, and I can't do anything about it, but... Yeah. I think that today in our country, any voice of dissent is not, you know, taken very well, and that is a problem, but that is so, even with girls, like this whole thing of consent, a voice of dissent, anything that is anti-establishment, all that is looked at as a problem, and these kind of extreme measures are taken. So that is a very, very big issue. Okay, Baba, apart from this, you're coming back with this movie, Bhoomi. Koi khas shaksiyat industry here. There are so many close friends of yours, which includes a Bachchan. There are so many, you know, Rajkumar and Hani saab and all. Kisi ke liye khas training rakhna chahiye ya kisi ko dikhana chahte hain before the film? Producer! Baba, what is that?
मैं क्या बोलूँ यार, तो प्रोड्यूसर हूँ. आई वुड लव इट, आई वुड लव इट. बच्चन साहब और राजकुमार हैं बोथ. व्हाई व्हाई डू वी हैव टू चूज? क्या फीडबैक मिला क्योंकि हमने देखा ट्रेलर सभी को पसंद आ रहा है, लेकिन इंडस्ट्री से जो दोस्त हैं उनका क्या फीडबैक मिला आपको, अगर कुछ ऐसा रिएक्शन अगर आप बताना चाहें? बाबा पता है मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बिकॉज आई फील लाइक व्हेन पीपल कॉल यू एंड टेल यू समथिंग देन इट्स यू नो इट्स समथिंग पर्सनल दैट दे आर इनकरेजिंग यू, कि वो आपको बढ़ावा दे रहे हैं, वो आपको यू नो आपको इनकरेज कर रहे हैं. तो पर यस देर हैव बीन कॉल्स फ्रॉम पीपल आई लीस्ट एक्सपेक्टेड कॉल्स फ्रॉम, बिकॉज आई डोंट नो देम सो वेल, बट उन्होंने मेरा नंबर ढूंढ के मुझे कॉल किया. और अ लॉट ऑफ देम आर वेरी वेरी क्लोज टू संजू सर एंड दे टोल्ड मी अबाउट इट ऑल्सो, कि हाउ क्लोज दे आर टू संजू सर, इज़ लाइक फैमिली टू देम. सो आई फील रियली लकी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली टू बी अ पार्ट ऑफ भूमि, टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद संजू सर एंड दैट टू इन अ फादर डॉटर स्टोरी, क्योंकि इट जस्ट मेक्स इट एवरीथिंग मोर एंड मोर एंड मोर स्पेशल. सो द फीडबैक हैज़ बीन अमेजिंग एंड अपार्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री जस्ट फ्रॉम पीपल ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम, फैंस राइटिंग इन, सो इट्स बीन रियली अमेजिंग. Very, very amazing. Even from the south, I've gotten messages. So it's really been very, very heartwarming. Okay, so the vibe was really positive around the film, whether it's trailer or teaser or everything. You know, long back you have done a film called Pita with Mahesh Mandre. You know, do you find some similarity between Bhoomi and Pita? If not, what do you think about that? I mean, I just told this gentleman out here. I said, like, see, every movie is compared to every movie since the time movie industry started. ठीक है, वही माँ है, वही पिता है, वही विलन है और वही हीरोइन है, वही गाने हैं, तो वो सब आप शुरू से लेके अभी तक देख सकते हो. लेकिन उस पिक्चर की ट्रीटमेंट कैसे होगी, उसमें सीन्स कैसे होंगे, उसमें क्या लाइट पोर्शन होगा, वो सब बहुत डिफरेंट हो जाता है, समझे? तो कंपेरिजन आप नहीं कर सकते. Baba, you have always played very heroic on-screen characters. I think through the 90s, many of the characters all largely were like heroic characters. Now you're playing a father to a grown-up, completely grown-up girl. Was there ever any trepidation that after this you may not get those heroic roles? Can I please first say that the biggest hero is a father? For a girl, the biggest hero is the father. मैं बोलूँ करेक्ट, थैंक यू फॉर दिस. बट इन जनरल दोस लार्जर मेबी यू मे गेट टाइप का डिड यू एवर थिंक यू मे गेट टाइप का सम डैडी फादर रोल्स आर सी आई टेल यू वन थिंग आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑफ अ फादर आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑफ अरुण सचदेव आई प्लेड ऋतिक्स फादर इन मिशन कश्मीर व्हिच इज अबाउट 12 इयर्स अगो तो आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर दैट टाइम. माई मदर प्लेड मदर इंडिया व्हेन शी वाज 26 ईयर्स. तो उसके बाद क्या उसको माँ का रोल मिला था श्री 420 में, नहीं ना? तो फिर वी आर प्लेइंग कैरेक्टर्स एंड दैट्स हाउ वी पोर्ट्रेट. मे बी द नेक्स्ट मूवी विद हर आई मे बी हर किडनैपर, इसको किडनैप करके ले जाऊँगा. यू नो वन यू नो not written. Yeah, heroic characters, the larger than life characters like Mr. Bachchan played in his films. There are not many things in today's time. No, I think you're wrong about that. I mean, there are many characters which have been offered to me which are larger than life and they are heroes and they are tough, my age kind of guys. Like you see Liam Neeson or you will see Mel Gibson, Denzel Washington. I mean, these are roles I'm being offered today, which is very good, you know. A tough, tough middle-aged guy, you know. So, ऐसी बात नहीं है. Plus, अभी Spider-Man का बाप का भी role मुझे मिल रहा है. Wow. आपकी बात की आ रही है इसके साथ साथ में मुन्ना की सीरीज का क्या अपडेट अगर आप बताना चाहें तो? भैया जो मुझे पता चला है जो मेरी बातें हुई हैं राजू से या विनोद जी से कि मुन्ना भाई का स्क्रिप्टिंग शुरू है और अभिजात स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं उस पर और जैसे इसकी शूटिंग ख़त्म होगी बायोपिक की वो राजू जी वो स्क्रिप्ट पे बैठना शुरू करेंगे. एंड देखिए अगर आप सबकी प्रार्थना अगर भगवान ने सुन ली तो अगले साल तक पिक्चर शुरू हो. बाबा कुछ टाइम पहले एक टीजर आई थी कुछ साल पहले मुन्ना
नहीं आई डोंट थिंक सो क्योंकि मेरे को अमेरिकन वीजा नहीं मिलता है तो चले अमेरिकन अमेरिका कैंसिल है. थैंक यू I'm very happy. Progress, you got to ask Raju ji and unse puche progress kya. So being a father and having two daughters, I love them. Are you worried like in the current scenario and things that those are happening? Plus your movie deals with a very important message that having a girl child, does it worry you? It'll worry any family, you know. It will worry any family. I think they should be a tough stand taken against them. Thank you.